हाय गाइस, कुछ टाइम से ना मैं ये नया फोन यूज कर रहा हूँ। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5। 10 दिन हुए इस फोन को टेस्ट करते हुए। ऑब्वियसली मैंने और मेरी टीम ने मिलकर इसको टेस्ट किया है, इसलिए हम इतने सारे रिव्यूज पुश कर पा रहे हैं। देखो, इस फोन को यूज करने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को दो चीजों को अच्छी तरीके से एड्रेस करना चाहिए। एक, इस फोन की बैटरी लाइफ कैसी है, क्योंकि जो पुराने फ्लिप फोन है उनकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी सिचुएशन है पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो किसी भी फ्लिप फोन में रही है वो ये है कि जब फोन को फोल्ड करते हैं ना, तो बीच के जो स्क्रीन गार्ड होता है उसके अंदर बबल्स आने लगते हैं, डस्ट भी हो जाती है। तो इसकी सिचुएशन कैसी है इस फ्लिप 5 के साथ, इसका भी एक प्रॉपर आंसर है जो कि मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने की एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो, इस फोन को यूज करने के बाद ना मुझे एक चीज तो फील हुई कि भाई नो डाउट डिजाइन बहुत फैंटास्टिक है, ड्यूरेबल फील होता है, आई मीन सॉलिड फीलिंग तो आती है, चाहे फिर वो इसके आर्मर एल्यूमिनियम की वजह से हो या फिर इस फोन की जो हिंज है जो किसी भी टाइम पे स्टॉप हो जाता है फोन बंद होते समय, तो लाइक ये हिंज इसको अच्छा बनाती है। बट फिर से क्वेश्चन आता है भाई, जो पुराने फ्लिप फोन्स में हुआ था कि भाई अगर मिड से स्क्रीन गार्ड हटने लगा तो उसका क्या सलूशन है। तो मेरे हिसाब से सैमसंग की स्टेटमेंट तो ये कहती है कि अगर एक साल की यूसेज के अंदर ये स्क्रीन गार्ड हट जाता है तो साल में एक बार ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। तो मुझे लगा आपको ये बात पता होनी चाहिए अगर आप इसको खरीदने का प्लान कर रहे हो। वैसे एक बात है, सैमसंग ने जो हिंज इंप्रूव करी है ना, ये जो वाटर ड्रॉप हिंज है, अब ये एक्चुअली में गैप बहुत कम हो गया है, तो डस्ट घुसने के चांसेस भी काफी कम हो गए। और सबसे कूल बात तो ये कि ये फोन IPX8 रेटिंग अभी भी लेकर आता है। इसका मतलब 30 मिनट्स के लिए 1.5 मीटर तक ये फोन जो है पानी में रह सकता है। और पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई मैंने इस फोन को ना पूरे टाइम ऐसे फिजिट की तरह घुमाया है, मजाक नहीं कर रहा, कह रही है छोटी सी बात थी जो बतानी थी। बट ये बात बताने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये फोन सीरियसली एक पोर्टेबल स्पीकर की तरह फील होता है, जैसे कि JBL के स्पीकर आते हैं ना, वो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग देता है ये। इसके पीछे भी रीजन ये है कि जैसे मैं कभी वॉक पे निकला हुआ हूं शाम को और मैं कोई पॉडकास्ट सुन रहा हूं या फिर मैं कोई न्यूज सुन रहा हूं, तो जस्ट चलाया और कवर डिस्प्ले से सब कुछ कंट्रोल में हो जाता है। ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगी। एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। देखो, हमारी गाड़ी में ना बहुत सारी चीजें रखी होती है और ये फोन इतना छोटा है कि लाइक लिटरली कहीं पे भी फिट हो जाता है। नो डाउट अपनी जींस पॉकेट के लिए भी मैं सेम बात बोलूंगा, यार ये लिटरली बहुत कम जगह लेता है। लेकिन आज मैं बोलूंगा यार, जैसे ही फोन को हम अनफोल्ड करते हैं ना, तो स्क्रीन का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो बहुत टॉल है, तो मतलब मुझे कुछ भी नेविगेट करना है तो लाइक फोन में शफल करना पड़ता है हाथ को ना। इनफैक्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर बटन में ही है, बहुत अच्छा काम करता है, बट आपको अपना थंब स्ट्रेच करना पड़ता है और उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स है, तो वहां तक थंब स्ट्रेच हर बार करना पड़ता है। वैसे मैंने सारे सैमसंग के फ्लिप फोन यूज करे थे और मैंने नोटिस किया कि हर साल क्रीज में इंप्रूवमेंट रहती थी, मतलब कि उसकी विजिबिलिटी या फिर उसको जब आप टच करते थे तो लाइक कम फील होता था हर साल। बट इस साल फ्लिप 4 की तरह मेरे हिसाब से एग्जैक्टली सेम ही है। तो फ्लिप 4 की तरह सेम बात ही बोलूंगा, जब आप बहुत ज्यादा फोन को यूज करने लगोगे ना, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली क्रीज को इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, चाहे फिर आप स्क्रॉलिंग करो या कॉन्टेंट देखो। वैसे इस फोन के जो स्पीकर्स है वो मुझे ठीक लगे भाई, इनफ लाउडनेस है, और इस फोन के जो हैप्टिक्स है वो मुझे डिसेंट ही लगे। बट मेरा फेवरेट जेस्चर एक फ्लिप फोन का आज भी वही है, जैसे कॉल आता है ना तो आप ऐसे बंद करके काट सकते हो फोन को, ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है भाई फ्लिप फोन्स का। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, शो ऑफ के मामले में ना मुझे नहीं लगता भाई इससे अच्छा और कोई फोन है। सीरियसली पब्लिक प्लेस में जितनी अटेंशन ये फोन ग्रैब करता है ना भाई, मुझे बहुत अमेजिंग लगती है बात। बट सेम टाइम पे ये भी कहना चाहूंगा, अगर शो ऑफ को साइड में रखा जाए और अगर आप बहुत पावर यूजर हो, मतलब कि बहुत ज्यादा अपने फोन को यूज करते हो और फोन अनफोल्ड करोगे, तो भाई थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा स्टेप है, थोड़ा सा लाइक दिक्कत देती है कई बार ये चीज। बट इमेजिन करो एज अ सेकेंडरी फोन, ये कितना कमाल का होगा। वैसे नेचुरली सबका ये कहना है कि फ्लिप 5 में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट इसकी कवर डिस्प्ले है, जो कि सेंस भी बनाता है, ऑलमोस्ट डबल साइज की हो चुकी है, 3.4 इंच की सुपर एमलेट 60Hz डिस्प्ले। अच्छा, एक और बात है, ये पहला फ्लिप फोन है जो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर लेकर आता है कवर डिस्प्ले में, बट मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्टली में यूज क्या है, अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना यार। बट पता है इस कवर डिस्प्ले में मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस किस चीज से हुआ था, वो है इसकी ब्राइटनेस, 1600 निट्स की है ये। और मैंने जैसे कि बताया भाई, आउटडोर में जैसे भी इस फोन को यूज कर रहा था ना, तो इस डिस्प्ले ने थ्रॉटल नहीं किया है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूज करने पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम हो गई हो, ऐसा कुछ फोन्स में हो जाता है। बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं यार, मैंने इस कवर डिस्प्ले में बहुत सेल्फीज खींची है, बहुत फोटोज खींची है और एकदम क्लियरली दिखता है, तो ये मेरे को सबसे बड़ी विन सिचुएशन लगी इस फोन की। इनफैक्ट अगर मैं मेन स्क्रीन की भी बात करूं ना, जो कि 6.7 इंच की है, इसमें भी
सैमसंग ने जो है ब्राइटनेस बहुत इंप्रूव कर दी है, बिल्कुल S23 अल्ट्रा वाली दे दी है 1750 निट्स की। ये भी काफी ब्राइट और क्लियर पैनल लग रहा है। और रिफ्रेश रेट की बात करूं तो ये डिस्प्ले जो है 1 से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच कर सकती है। और इस बात को याद रखना, बैटरी डिपार्टमेंट में आपको फिर से याद दिलाऊंगा क्योंकि वहां पर इसकी बहुत रेलेवेंस है। फिर मैंने इस फोन में सबसे ज्यादा जो है ना सोशल मीडिया यूज किया है, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम और ट्विटर हो, बट मेरे टीम मेंबर ने इसमें जो है टेस्टिंग के लिए मूवी देखी थी दिल चाहता है, उसने नहीं देखी हुई थी। खैर फनी बात है, मतलब दिल चाहता है कौन छोड़ता है भाई, बट ठीक है। तो देखो यार डिस्प्ले मुझे कोई शिकायत नहीं है, ऊपर से HDR भी है नेटफ्लिक्स पे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में पुटअप किया था ना कि लोगों का डाउट है कि भाई फ्लिप फोन की बैटरी लाइफ अच्छी नहीं होती, पर इसके पीछे रीजन भी है यार। जैसे कि इस फोन की बात करें 3700 mAh की बैटरी है, एंड्रॉइड वर्ल्ड में नंबर इतना छोटा है भाई किसी को भी शक होगा, इनफैक्ट मुझे भी शक था, बट जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया तो आप खुद देखो जो स्क्रीन ऑन टाइम है, मुझको 5 से 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम लाइक एवरीडे मिला है लगातार। इनफैक्ट मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन और ऑफ करके भी टेस्ट करा, उसमें कोई भी रिजल्ट्स में चेंज नहीं है। एक और बैटरी बैकअप का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, जहां पर पूरे टाइम सुबह से लेकर शाम तक 5G यूज हुआ है, 100% ब्राइटनेस पे था फोन, लगातार मैप्स चल रहे हैं, बहुत लाइक हैवी टेस्टिंग में बता रहा हूं। 3 hours 44 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। अब आपको सुन के ऑब्वियसली कम ही लगेगा, बट यार फ्लिप फोन के हिसाब से यार ये बहुत सही है हैवी यूसेज के अंदर। और आइडल ड्रेन की बात करो ना तो पूरी रात में फोन जो है 2% बैटरी लॉस कर लेता है, और अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है तो वहां पर 6% बैटरी लॉस कर जाएगा पूरी रात में। और अगर चार्जिंग सिचुएशन की बात करो ना यार, वो बहुत स्लो है, 25 वोल्ट पे चार्ज होता है ये, और मैं बता रहा हूं आपको 1 घंटे 10 मिनट से लेके 1.5 घंटे के बीच में मतलब लगता ही लगता है इसको 100% चार्ज होने में। छोटी बैटरी होने के बाद भी टाइम लग रहा है मेरे हिसाब से ज्यादा, बट 90% से लेके 100% भी ये फोन बहुत स्लो चार्ज होता है। सीरियसली स्पीकिंग यार बैटरी लाइफ इसका एक्चुअली में बड़ा है अगर फ्लिप फोन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि फ्लिप फोन कम बैटरी बैकअप देते हैं। और मैंने जो डिस्प्ले में बात बताई थी ना कि रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ के बीच में जाता है, आई थिंक ये भी एक रीजन है कि बैटरी लाइफ बढ़ी है। और एक और रीजन हो सकता है कि बैटरी लाइफ इंप्रूव हुई है, वो इस फोन का परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट, जो इसमें प्रोसेसर है ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 4 Galaxy, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो भी हेल्प कर रहा है एफिशिएंसी बढ़ाने में, क्योंकि ये वही सेम प्रोसेसर है जो कि S23 सीरीज में भी आया था। और पता है सैमसंग ने एक काम बहुत अच्छा कर दिया, 128GB हटा दिया भाई, सीधा 256GB से स्टार्ट होता है, और वो भी UFS 4 स्टोरेज है जो बहुत फास्ट है। रैम 8GB मिलती है, LPDDR5X है। वैसे बेंचमार्क्स की बात करूं तो N22 पे 1180000 के अराउंड स्कोर है, और Geekbench में ना मल्टी कोर स्कोर 5100 के अराउंड है। दोनों चीजें मेरे को ठीक लगी, बट यार CPU थ्रॉटलिंग में ना थोड़ा सा अलग ग्राफ है। देखो स्टार्टिंग में ग्रीन है, फिर लास्ट में आते आते जो है येलो और रेड भी हो रहा है। वैसे थ्रॉटलिंग 69% पे दिख रही है, बट ठीक है यार मैं समझता हूँ कि फ्लिप फोन में बहुत कम जगह होती है क्योंकि बहुत छोटा फोन है ये, तो थर्मल्स प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पाते। देखो ये तो बेंचमार्क्स की बातें थी, अगर मैं रियल लाइफ टेस्टिंग की भी बात करूँ ना तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे क्रोम के टैब भी खोले हुए थे, बहुत मल्टीटास्किंग भी करी है, और वहां पर ऐसा मुझे कोई भी लैग या फिर प्रॉब्लम तो फील नहीं हुई। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर BGMI अगर हम लंबे समय के लिए खेले तो वहां पर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, मेरे को तो ऐसा अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ। वहां पर भी स्टेबल फ्रेम रेट्स मिल रहे थे मुझे। और हाँ मैं फिर से बोलूंगा कि रेकफेस्ट जैसा मैंने गेम खेला जो मैंने खरीद रखा है, एक कमेंट आया था कि मैं हर बार चीज हाईलाइट करता हूं। देखो जब मैंने रेकफेस्ट जैसा सुपर हैवी गेम मैंने इस फोन में खेला ना, जहां पर 30 लैप्स की रेस थी 15 ओपोनेंट के साथ, और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि ये पहला फोन है जिसने मेरे को स्टार्टिंग के 5 लैप के अंदर 97 FPS तक दिए, लेकिन 5th लैप के बाद जो है ना इसने जो है FPS डाउन कर दिए थे, मतलब 45 के अराउंड आ रहे थे, और 30 लैप तक जब तक गेम एंड हुआ 35 से 45 के बीच में फ्लक्चुएट हुए। देखो टेक्निकली देखा जाए ना तो ये एक फ्लिप फोन है जो कि मतलब इतने कम जगह में प्रोसेसर के थर्मल्स भी मैनेज कर रहा है और परफॉर्मेंस भी कहीं ना तो कहीं एक अच्छी लेवल की ला पा रहा है। कैजुअल गेमिंग आप बहुत आराम से कर सकते हो, तो भाई मुझे ये पार्ट इंप्रेसिव तो लगा। अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो इसमें One UI 5.1.1 मिलती है जो कि एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है और जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। और बिलीव मी इतनी सारी बातें हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बताने को, बट मुझे पता है कि भाई वीडियो इतनी लंबी नहीं बनानी मुझे, तो मैं आपको बेस्ट पार्ट बताता हूं जो मुझे फील हुआ। सिंपल सी बात बोलूंगा, One UI की खास बात यह है कि कस्टमाइजेशन के मामले में स्काई इज द लिमिट। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, गैलेक्सी स्टोर होता है हर एक सैमसंग फोन के अंदर, वहां पर गुडलॉक नाम की एक ऐप होती है, उसको इंस्टॉल करने के बाद उधर पूरा कस्टमाइजेशन का यूनिवर्स है जो हर एक सैमसंग फोन में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फ्लिप 5 की बात करूं, इसकी कवर डिस्प्ले में हमें बेसिक फंक्शंस मिलते हैं, एक तरीके से विजिट की तरह काम करती है डिस्प्ले। इनफैक्ट सैमसंग ने बाय डिफॉल्ट ज्यादा एप्स चलाने के ऑप्शन नहीं दे रखे, जस्ट मैसेजेस, मैप्स, 3-4 ऐप जो देख रहे हो स्क्रीन पे। लेकिन अगर मैं गुडलॉक का यूज लेता हूं, मैं लिटरली कोई भी ऐप यहां पर चला सकता हूं। सिर्फ फन के लिए मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी इस कवर डिस्प्ले पे चलाया, गेम खेलना स्टार्ट किया, एंड गेस व्हाट, मैं जीता भी। ऑब्वियसली सिर्फ गेमिंग नहीं, आप लिटरली आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे ईमेल देख
देखो या फिर सोशल मीडिया यूज करो, ये बहुत सही हो गया भाई। और ओवर टाइम इस फोन की ना सेटिंग्स ऐप में दिख रहा था और क्या क्या कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, तो मैंने देखा भाई कवर डिस्प्ले भी हम अपनी पसंद की बना सकते हैं, आप क्लॉक चेंज कर सकते हो, उसके फोन चेंज कर सकते हो, इनफेक्ट अलग अलग पैटर्न के लेटर भी लगा सकते हो, तो ये सब चीजें मस्त है यार। खैर तो कवर डिस्प्ले के फीचर्स की बातें थी, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ ना, तो जैसे ही फोन की स्क्रीन को आप हाफ फोल्ड करते हो तो वहाँ पे फ्लेक्स मोड ऑन हो जाता है, और मैंने इसका बहुत सही यूज लिया है काफी बार। देखो जब भी कोई नया फोन आने वाला होता है ना, तो उससे पहले हमारी ब्रांड के साथ मीटिंग होती है, क्या तो वो जूम मीटिंग होती है, माइक्रोसॉफ्ट टीम वगैरह पे, तो मैंने इसमें वो एक मीटिंग ली थी, तो मैंने टेबल पे फोन कुछ ऐसे रख दिया, मुझे मीटिंग भी दिख रही थी और मैंने आराम से अटेंड करी कॉल। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये ट्रैक पैड की तरह वर्क करता है यार, ये तो अलग ही फीचर्स है। इन शॉर्ट सैमसंग ने बहुत फीचर्स दे रखे, हो सकता है आप आधे यूज भी ना कर पाओ। और कमी की बात करो तो नेट पिकिंग करके बता रहा हूँ भाई, जब मैं फोन में गेम खेल रहा था और ऊपर नोटिफिकेशन आती है तो वहां पर नोटिफिकेशन सेंटर थोड़ा लैग करने लगता है, और ये कैमरे पे दिखाना बहुत मुश्किल है, बट जब भी मैं इंस्टाग्राम यूज करने के बाद एग्जिट करता हूँ ऐप, तो फोन थोड़ा अटक सा जाता है। तो देखो यार 10 दिन की यूसेज में मुझे तो बस ये दो ही कमियां दिखी। अब मैं आपको कैमरे की बातें डिटेल में बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे हिसाब से अगर किसी भी फ्लिप फोन की बात करूं तो इससे अच्छा कैमरा किसी और फ्लिप फोन में नहीं है। वैसे जो कैमरा हार्डवेयर है वो लास्ट ईयर की तरह बिल्कुल सेम है, 12+12 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा 10 मेगापिक्सल का है। मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ इस फोन से खींची हुई। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट तो यही है कि प्रोसेसिंग बहुत कॉन्फिडेंट है, और सबसे ज्यादा मैं तारीफ करूंगा HDR परफॉर्मेंस की। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इस फोन को दे दो भाई, ये HDR हर बार स्पॉट ऑन रखता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हाईलाइट करूंगा भाई, डिटेल्स को रिटेन करने में फोन बहुत क्रेजी काम करता है। और बाकी महंगे सैमसंग फोन्स की तरह इसका भी आउटपुट वाइब्रेंट है और ब्राइट रहता है। और अगर अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं तो मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड के बीच में जो है कलर शिफ्ट बहुत कम है, बट अल्ट्रा वाइड में मैंने ये जरूर नोटिस करा कि कॉर्नर में शार्पनेस थोड़ी सी कम होती है और नॉइज थोड़ी सी दिखती है। और लो लाइट के बारे में बात करूं तो इसकी फोटोज देखो, देखो वैसे जो है ब्राइटनेस सही लेवल की मेंटेन कर पाता है, इनफैक्ट कलर्स भी ये सही रिटेन कर रहा है, बट मैंने ये नोटिस करा अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई टेक्सचर है ना तो ये उसको लो लाइट में सॉफ्ट कर सकता है, और स्ट्रीट लाइट्स को ये थोड़ा सा हेजी इफेक्ट देता है। और सेल्फी की बात करो ना तो देखो जो इसका 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, मैंने उससे ज्यादा फोटोज तो नहीं खींची बट आउटपुट उससे ठीक आता है, लेकिन मेन कैमरे से हम सेल्फी खींच सकते हैं तो मैंने उससे ज्यादा सेल्फीज खींची है, और खासकर अल्ट्रा वाइड लेंस से वहां पर बहुत सही आउटपुट आता है, मतलब हाईली इंप्रेसिव बोला जा सकता है। और 10 दिन की यूसेज में मैं ये बता सकता हूं, मुझे ऐसा लगा कि कवर डिस्प्ले बड़ी होने की वजह से सेल्फी खींचने में और आसानी होती है। खैर वीडियो के बारे में सिंपल सी बात है, 4K 60 FPS से रिकॉर्ड कर पाता है, और मेरे हिसाब से एंड्रॉइड वर्ल्ड में सैमसंग जो है बेस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा है, क्योंकि बहुत कंसिस्टेंट HDR मैनेज कर पाते हैं और स्टेबलाइजेशन भी अच्छी होती है। बट एक चीज की बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि हम अल्ट्रा वाइड लेंस सेल्फी में भी यूज कर सकते हैं, तो उससे ऑब्वियसली वीडियो भी बना सकते हैं यार, वो चीज हमें जो है व्लॉगिंग में बहुत हेल्प करेगी ऑब्वियसली अगर आप करते हो तो। बट फिर से वही रिपीट करूंगा, अभी तक जितने भी फ्लिप फोन आया है मुझे फ्लिप 5 का बेस्ट कैमरा तो लगा यार। तो कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो 10 दिन इस फोन को यूज करने के बाद मैं एक चीज बता सकता हूं, अगर कोई भी बंदा फोल्डिंग फोन ढूंढ रहा है, स्पेशली फ्लिप फोन अगर कोई भी मार्केट में देख रहा है, तो मुझे लगता है भाई इससे बेटर ऑप्शन अभी अवेलेबल है, क्योंकि इस फोन के जो सॉफ्टवेयर फीचर्स है यार वो बहुत क्रिएटिव है। इनफैक्ट इसकी परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छी लगी और कैमरा भी काफी अच्छा लगा। बट मुझे ये भी लगता है अगर आप इस फोन को खरीदने का प्लान करोगे तो हो सकता है आपको बैटरी बैकअप जो है थोड़ा लगे कि भाई नॉर्मल फोन के मुकाबले कम है, बट ये सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा भाई एक पोर्टेबल फोल्डिंग फोन के लिए। आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेकबर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।